2014 के आम चुनाव में चाय पर चर्चा का बोलबाला था। 2024 के आम चुनाव में लजीज खाने पर चुनावी चर्चा लॉन्च की गई है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मीसा भारती का भोजन पर चर्चा का मजेदार वीडियो आज को सुर्खियों में है। दरअसल जायकेदार खाने के साथ प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लेने से खाने का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। तो बिहार के चुनाव में आपको क्या लगता है? He doesn't even know कि जिला का कैप्टन नहीं होता है। सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है ना। क्या खाते हो, क्या बोलते हो, कह रहे हैं कि मैं भगवान का काम करता हूँ। देश की जनता मोदी जी को भगा रही है फटाफट फटाफट फटाफट। चाय पर चर्चा तो आपने बहुत सुनी होगी, अब लजीज व्यंजन पर चर्चा का लुत्फ भी उठा लीजिए। शुरू से मैं कहता रहा चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा लोग। दरअसल राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मीसा भारती की थाली तोड़ चुनावी चर्चा खूब सुर्खियां बटोर रही है। चीनी की बात की कुछ नहीं तो पीपल। राहुल, तेजस्वी और मीसा अगर पकवान पर चर्चा करेंगे तो जाहिर है चर्चा के केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी तो होंगे ही। कमाल तो ये है कि चर्चा के केंद्र में पीएम मोदी हैं और निशाने पर देश का मीडिया है। जरा सुनिए कि मोदी के एक स्लिप ऑफ टंग पर तेजस्वी मीडिया पर कैसे चटखारे ले रहे हैं। प्रधानमंत्री दो बार हो चुके हैं 10 साल एंड ही डजंट इवन नो कि जिला का कैपिटल नहीं होता है। अगर ये मैं या आप कह देते 24 घंटा चलता मीडिया पे पूरा, इसमें मीडिया के लोगों ने भी कमाल किया टोटली। बाद में ये मीडिया वाले आके बोलते नहीं नहीं उनका कहने का मतलब कैपिटल ही हेडक्वार्टर था। तेजस्वी के मुताबिक प्रधानमंत्री ने गलती से जिले की राजधानी कह दिया तो मीडिया वालों को चाहिए था कि देश भर की सड़कों पर तिरपाल डालकर वो आमरण अनशन पर बैठ जाते। प्रधानमंत्री को पद से हटाने का रेजोल्यूशन पास करते और इतने से भी बात नहीं बनती तो मीडिया गिरी छोड़कर सामूहिक इस्तीफा सौंप देते। खैर, मीडिया को भूलिए और राहुल का खाना फिनिश करने की रफ्तार देखिए। तेजस्वी और मीसा अभी आधी थाली भी फिनिश नहीं कर पाए थे कि राहुल ने सारा मामला निपटा दिया। जायकेदार खाने के बाद अगर मन परितृप्त हो जाता है तो गरीबों, पिछड़ों, दलितों की अनायास ही याद आने लगती है। इसीलिए अनासिका भोजन के बाद राहुल को जातीय जनगणना की सुध होने लगी। मैंने आपने देखा जातीय जनगणना की जब मैंने बात उठाई तो फिर कहते हैं कोई जाति नहीं होती हिंदुस्तान में, बस दो ही है, उससे पहले वो ओबीसी थे, इस बार बिहार है तो वो नाम गिना रहे जातियों के। अच्छा, जातिवादी नहीं है तो आखिर मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को फिर मलेर क्यों भेज रहे हैं? द बेस्ट पार्ट, जो हमने 75% जो आरक्षण बढ़ाया बिहार में, जिसमें कि EWS एज इट इज 10% और पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, OBC, EBC, SC, NST, आदिवासी और दलितों का जो बढ़ाया, उसके बाद हमारे कैबिनेट ने प्रपोजल भेजा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि इसको शेड्यूल 9 में कर दो, अब तक नहीं किया। शेड्यूल 9 में नहीं डाला तो आप चिंता क्यों कर रहे हैं तेजस्वी जी? किसकी मजाल जो आपके इस फैसले को अदालत में चुनौती दे सके? इसीलिए इस मामले में आप अदालत के हस्तक्षेप से निश्चिंत रहिए। हाँ, जमीन के बदले जॉब मामले में कुछ हो जाए तो उसमें मीडिया को दोष मत दीजिएगा। वैसे एक बात तो है, खाना खाते वक्त हार जीत के गणित का हिसाब लगाना शुरू कर दिया जाए तो खाने का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए मीसा भारती ने निवाला हलक के अंदर कर बीजेपी को 150 के भीतर निपटा दिया। मुझे नहीं लगता कि इस बार 150 सीटें भी वो लोग लाने जा रहे हैं, क्योंकि मैं भी चुनाव लड़ी हूँ, बट इस बार जो मूवमेंट है पब्लिक का वो बहुत अलग है। यूथ में बहुत ज्यादा मीटिंग में बस यंगस्टर्स ही काफी एग्रेसिव है वो लोग। इन्होंने 10 साल से वादे किए, अब 17 वर्षों से यहाँ पे नीतीश कुमार जी हैं, इतने बल्क में कभी वैकेंसियां नहीं निकली। आप लोग 2020 का चुनाव को अगर याद करें तो तेजस्वी ने जो वादा किया था तो
एक तरफ से जो 5 लाख सरकारी नौकरी मिला है तो जो यूथ है वो उसमें बहुत ज्यादा विश्वास और एक उमंग जो कहते हैं ना एक्साइटेड है बहुत ज्यादा, उसको लगता है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो सिर्फ हम ही पे फोकस होगा, वो लोग खुद से आगे आके बोलते हैं। क्या बात है मिसा भारती जी, आपके मुताबिक अगर यूथ को इंडिया गठबंधन पर पक्का यकीन हो गया है तो आप अपनी टेंशन को 303 से उड़ा डालिए। वैसे भी यूथ को पता है कि नौकरी देने में आरजेडी का कोई सानी नहीं है। लालू जी जब रेल मंत्री थे तो रेलवे में कितनी नौकरियां दी थी यूथ को। ये अलग बात है कि राजनीतिक विद्वेष से आप लोगों को जमीन के बदले जॉब नाम के घोटाले में फंसा दिया गया। यही तो दिक्कत है, विरोधी अच्छा काम होने देना ही नहीं चाहते हैं। खैर छोड़िए, आप तो 2 जून की रोटी खाने के बाद 4 जून के राज तिलक की तैयारी करिए, लेकिन उससे पहले यूपी के भगवाधारी सीएम योगी जी से निपट लीजिए, क्योंकि सुना है कि वो बिहार के दौरे पर आने वाले हैं। योगी जी आए या कोई आए, हम तो पहले भी कहे ना भाई, वो नॉर्थ कोरिया वाला है ना किंग जोंग, उसको भी बुला ले बिहार, और दोनों को योगी जी और उन दोनों को साथ खड़ा कर दिया जाए, एक ही टाइप है ना भाई। आए किम जोंग और योगी जी एक ही टाइप के लोग हैं। बिहार वालों को चाहिए कि इस ज्ञान को अपने दिल के अंदर हमेशा के लिए जज कर ले, क्योंकि ये ज्ञान उनको किताबों में नहीं मिलेगा। तेजस्वी जैसा कोई कालजयी ज्ञानी ही ज्ञान का ये उपहार दे सकता है। चलिए अच्छी बात है, पब्लिक इसका भी फैसला कर देगी, क्योंकि पब्लिक दूध का दूध और पानी का पानी करने में माहिर है।